नमस्कार, इस वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी 2023 की क्या कट ऑफ रही है। बीएसटीसी कट ऑफ 2023 के बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसमें बात करें तो कितने नंबर हैं तो आपको कॉलेज पक्का कोर्स कॉलेज मिल सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कितनी गई है, फर्स्ट लिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं तो जनरल के अंदर मेल की बात करते हैं तो 420 से लेकर अगर 440 नंबर आए हैं तभी आपको फाइनल कट ऑफ, ये फर्स्ट कट ऑफ की 420 के समथिंग रही है। और फिर मेल की बात कर ली, फिर फीमेल की बात करें 410 से लेकर 430 के कट ऑफ के बीच में कट ऑफ रही है। फिर ओबीसी की बात करें तो 400 से लेकर 420 रही है। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 390 से 410 के बीच में रही है। एडब्ल्यूएस की बात करें तो 390 से लेकर 410 कट ऑफ रही है। फिर बात करें तो एडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 385 से लेकर 405 के बीच में रही है। फिर एमबीसी की बात करें 395 से लेकर 415 के बीच में रही है। एमबीसी फीमेल की बात करें तो 380 से लेकर 400 के बीच में आपकी कट ऑफ रही है। इसके अलावा आपको क्या राय है, कितनी कट ऑफ तक फाइनल कट ऑफ जा सकती है, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है। फिर बात कर लेते हैं एससी की। एससी की अगर बात करें तो एससी के अंदर 350 मेल की रही है, 350 से लेकर 370 के बाद में। फीमेल की बात करें तो 320 से लेकर 340 के बाद। फिर एसटी की बात करें तो 350 से 370 यही है एससी एसटी की। इसमें थोड़ी सी फीमेल की कम रही है, 10 से लेकर 30 के बीच में, ये कमेंट है। इसके अलावा आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, क्योंकि अगर आप सभी कमेंट करके बताओगे हमको तभी हमको पता चलेगा कि जनरल ओबीसी फीमेल ईडब्ल्यूएस और एमबीसी एसटी एससी की कितनी कट ऑफ रही है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपके पास फाइनली जो काउंसलिंग है और इसके अलावा जो आपको कॉलेज के अंदर फीस जमा करवानी है वो 16 तारीख का लेकर, मतलब आज से स्टार्ट हो चुकी है। 16 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में ये सारा प्रोसेस रहने वाला है। इसलिए अगर आपको कोई सी भी कॉलेज मिली है तो वहाँ पर जाकर आप रिपोर्टिंग करवाएं और तुरंत अपना एडमिशन सुनिश्चित करने के लिए फीस जमा करवाएं और वहाँ से रसीद प्राप्त करें। इसके अलावा आपको बीएसटीसी रिगार्डिंग कोई भी अगर डॉक्यूमेंट के संबंधित है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट अगर आपके कंप्लीट है तभी आप बीएसटीसी 2023 के अंदर एडमिशन ले पाओगे, नहीं तो आप नहीं ले पाओगे। इसलिए आपको जल्दी से, अगर कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो आप जल्दी से बनाओ और जल्दी से रिपोर्टिंग का टाइम लास्ट 26 दिसंबर रहा है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।